नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम अलसीसर में पहुंचे हैं। अलसीसर में आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर भवन का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मंडावा की विधायक रीटा चौधरी के माध्यम से किया जा रहा है, जहां क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में यहां, आप जो भीड़ है वो मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियाँ मौजूद है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं और युवतियाँ मौजूद है। मोटरसाइकिल रैली निकालकर युवाओं द्वारा कार्यक्रम स्थल पर युवा यहां पहुंच रहे हैं मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से। विभिन्न गांवों से, आसपास के गांवों से रैली के माध्यम से लोग यहां पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं, जहां विधायक रीटा चौधरी आज बाबा साहब अम्बेडकर भवन का लोकार्पण करेंगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं विधायक रीटा चौधरी। बोलो जय भीम। अरे जोड़ो चले बाबा साहिब अमर रहे, बाबा साहिब अमर रहे, बाबा साहिब अमर रहे। भीम जयंती आई है, घर घर में खुशी अच्छाई है। भीम जयंती आई है, घर घर में खुशी अच्छाई है। जय भीम जय भीम, मिलके बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को गति प्रदान करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर भवन है, उसका शिलान्यास किया जा रहा है। अंबेडकर भवन का शिलान्यास समारोह यहाँ क्षेत्रीय विधायक रीटा चौधरी के द्वारा किया जा रहा है। आप जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौरा मंगलम कुटिकांगलम हरि। ओम शांति सर्वाधिष्ठान शांति। मंडा की प्रधान शारदा देवठिया जी, एसडीएम साहब, हमारे मेरे गुरु और आज की अध्यक्षता कर रहे सूर्यकिरण जी, बीडीओ साहब, सम्मानित मंच, माताओं बहनों और मेरे युवा साथियों, आज अम्बेडकर बाबा साहेब की 131वीं जयंती है। मैं आपको बताऊं कि अगली 132वीं जयंती पे ये भवन बनके तैयार हो जाएगा और हमारी लोकप्रिय विधायक इसका उद्घाटन करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये भवन सभी पंचायत समिति और नगरी पालिकाओं में आदेश आए थे, हमारे पास भी आदेश आए कि साहब आप पंचायत समिति में अम्बेडकर भवन बनाओ। मैंने विधायकों का, विधायक ने कहा भाई साहब यहाँ कोड़ी में क्या बनाए, अच्छी जगह बनाएंगे। इन्होंने ये करीब 2.5-3 बीघा जमीन मेन रोड पे अम्बेडकर भवन के लिए, यहाँ पे महिला कॉलेज, यहाँ पे थाना, यहाँ पे कस्तूरबा गांधी ये विद्यालय जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां निःशुल्क पढ़ेंगी, हॉस्टल होगा, जिसके विधायक जी ने 4,42,00,000 रुपए मंजूर भी हो गए हैं। ये करीब 8 करोड़ की लागत से बनेगा। अभी ये जो सामुदायिक केंद्र है ये करीब 84 लाख की लागत से बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि विकास के मामले में जैसे जैसे बाबा साहेब के बारे में इतिहास लिख रहे हैं, वैसे हमारी विधायक
रीता जी भी अपने मंडल के लिए ये इतिहास रच रही है, तो अपना भी फर्ज बनता है कि आने वाले 2023 में अपन भी कंधे से कंधा मिला के इनको भारी बहुमत से जिताए, ताकि अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा। अम्बेडकर ज्योतिबा फुले, संत कबीर, रविदास और मान्यवर काशीराम जी, धन्ना जाट, ये सभी समाज सुधारक थे। इन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किया वो इस तरह से किया कि जो समाज दलदल में फंसा हुआ था उसको बाहर निकाल करके यहाँ तक पहुँचाया। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि 1982 में हमने अम्बेडकर जयंती मनाने की कोशिश करी और मनाई भी, लेकिन हमें जगह ही नहीं मिलती थी, हमें कोई चीफ गेस्ट ही नहीं मिलता था, हमें कोई आदमी ही नहीं मिलता था, क्या करें। और दूसरा जो हमारे होते थे वो भी इधर उधर सड़क जाते थे, अरे यार ये पता नहीं, डरते थे। लेकिन आज की जो मैं देख रहा हूँ बहुत ही शानदार गैदरिंग, जिसमें माताएं इतनी ज़्यादा संख्या में हैं, मैं इनको नमन करता हूँ कि आप सब यहाँ आई हैं अपने परिवार को संभाल करके, उसके बाद में यहाँ अपनी ड्यूटी दे रही है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही शानदार आप लोगों का यहाँ पे आयोजन चल रहा है। मैं देवठिया जो प्रधान मंडावा है उनसे निवेदन करूँगा कि वो दो सब दूध बदल करके दें और डिटेल में दें। श्रीमती शारदा जी देवठिया। सभी को मेरा जय भीम। आज हम अम्बेडकर साहब की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपको अम्बेडकर साहब की जीवनी के बारे में, उनके विचार, उनके बारे में सभी को मालूम है, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अम्बेडकर साहब एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। दलित परिवार जहाँ न तो पढ़ने की सुविधा थी, न कोई खाने की, न कोई वो रहन सहन की। उनके त्रिव बुद्धि के वजह से उन्होंने पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा गया, लेकिन पढ़ने के लिए भी उनको स्कूल में नहीं, अंदर नहीं, बाहर से बैठा दिया जाता और बाहर से ही पढ़ने के लिए बोला जाता। उस बालक ने बड़े होकर हमारा देश का संविधान लिखा, ये बहुत बड़ी हमारे समाज की, हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी बात है। देवठिया प्रधान मंडावा, श्रीमती साधुराम जी जाट SDM मलसीचर, श्रीमान जयलाल सिंह जी पूर्व प्रधानाचार्य कॉलेज शिक्षा, श्रीमान रामधन जी नायक कोषाधिकारी चूरू, संतोष जी मीना और मेरे आदरणीय और मेरे आइडियल पर्सनालिटी मेरे मामा जी डॉक्टर सीताराम जी गोठवाल, श्रीमान गुरदयाल जी और हमारे गांव के और मेरे आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, सबको मेरी तरफ से स्वागत। और मैं संक्षिप्त में मेरा भाषण का उद्बोधन करूंगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब पंचायत समिति अलसीशर के इस विशाल प्रांगण में 131वीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो जयंती है, इस पर आज हमारे मंडावा के लोकप्रिय विधायक रीटा जी, प्रधान जी मंडावा, शिक्षाविद BDO साहिबान, सम्मानित मंच और इस विशेष कार्यक्रम को अपने यहाँ अपने आंखों के सामने देखने के लिए, इसके चश्मदीद गवाह बनने के लिए आज पूरे क्षेत्र से पधारे गए सम्मानित माताएं, बहनें, सम्मानित नागरिकगण। आज निसंदेह है हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिन्होंने इस देश को एक गीता, एक धर्म की किताब जिसको संविधान बोलते हैं, उनका द्वारा जो है कि कैसे इस देश स्वतंत्र भारत में न्यायपालिका कैसे होगी, कार्यपालिका क्या होगी, विधायिका कैसे होगी, निर्वाचन की व्यवस्थाएं क्या होगी, पंचायत राज क्या होगा, आदमी के अधिकार क्या होंगे और
नीति के निर्देशक तत्व क्या होंगे, ऐसा उन्होंने कोई भी न्याय व्यवस्था क्या होगी, कोई भी एक ऐसा बिंदु या लेकुना नहीं छोड़ा जो आज हम लोग उस न्याय की किताब से हमारा देश का संविधान चलता है, हम लोग सारे उसमें गवर्न होते हैं। बहुत बड़ी बात है उनके दिमाग में, उन्होंने बहुत बड़ा संविधान हमारे देश को दिया है। थोड़ा सा समय आपका अन्य वक्ताओं से ज़्यादा लेना चाहूँगा, और वो इस लिहाज से कि आपको आज जिस भूमि पर हम विराजमान हैं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँगा। इसके पीछे फरवरी में मेरे पास दो व्यक्ति, दो टीचर मेरे पास शाम को 3 बजे फ़ोन आता है कि साहब आप कहाँ हो, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं अपने घर में ही हूँ, आ जाओ। और उन्होंने सबसे पहले इस बीज का बीजारोपण किया। उन्होंने कहा कि अलसी सर में कई बार इस बात की घोषणा भी हो गई है, कई बार लोगों ने आश्वासन भी दे दिया है अम्बेडकर मंच का, तो इस बाबत कुछ न कुछ किया जाए। तो मैंने कहा विचार करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। तो एक आनंद फानंद में अलसी सर ने एक मीटिंग का आयोजन किया गया, और उस मीटिंग में इस बात के लिए तय किया गया कि विधायक जी से मिलकर के भूमि का आवंटन करवाया जाए। उसी एसडीओ साहब साधु राम जी, सम्मानित मंच, आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण, मेरे युवा साथी, माता और बहनों और मीडिया के बंधु, सबसे ज़्यादा आज मुझे खुशी का अनुभव हो रहा है। आप लोग इतनी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है बाबा साहब की याद के अंदर। सादा ग्रहण करी, एक गरीब परिवार से वो आए, गरीबी को बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा, और एक दलित होने का दंश उन्होंने सहा अपनी शिक्षा के अंदर। जब वो ग्रहण कर रहे थे बहुत सी दिक्कतें उनके जीवन में आई, लेकिन उन दिक्कतों का सामना करते हुए वो जिस मुकाम पर गए और देश का संविधान लिखा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ हर किसी के व्यक्तित्व का, हर किसी व्यक्ति का ये संभव नहीं है कि इस तरीके से गरीबी से उठे और पग पग पर जिसको जलील होना पड़े, क्योंकि उस समय का हमारा समाज ऐसा था, सामाजिक ताना बाना ऐसा था कि छुआछात बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, शिक्षा पे कम ध्यान जाता था और एक जाति प्रथा बहुत ज़्यादा यहाँ पर थी, धर्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उसकी आड़ के अंदर गरीब असहाय लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। इस तरीके के समाज से, इस तरीके के जीवन से निकल कर आकर और देश के एक सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करना, भारत रत्न प्राप्त करना, देश का संविधान लिखना, एक बहुत बड़ी बात है। जब हम संविधान पढ़ते हैं उसमें प्रस्तावना है, और जो प्रस्तावना है वो अपने आप में पूरा संविधान है। बाबा साहब ने एक परिकल्पना करी थी कि मेरा देश कैसा होना चाहिए, उस समय के हमारे नेताओं ने एक परिकल्पना की थी कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना। वो सब बातें जो उन्होंने सोचा समझा, बहुत सारे संविधानों से उन्होंने एक एक अच्छी अच्छी बात उठाई और भारत के संविधान में डाली। सबसे बड़ी बात थी समानता का अधिकार। साथियों, बाबा साहब के जीवन में हमें जो संदेश मिलता है वो मानवता का संदेश मिलता है। जब उन्होंने देखा कि समाज में छुआछात है, गरीब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, धर्म के नाम पर व्यक्ति को कुचला जा रहा है, शिक्षा का अभाव है, महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, तो उन्होंने वो बीड़ा उठाया। उन्होंने समानता, एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता की बात करी संविधान के, और एक एक आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं संविधान का तो हमें पता चलता है कि उस समय कितना ऊंचा विचार था, कितनी उनकी ऊंची सोच थी और किस तरीके से संविधान लिखा गया। साथ
ये हमारे महापुरुषों की देन है कि आज हमारा देश कितनी एकता के साथ, कितनी मजबूती के साथ खड़ा हो। लेकिन जिस तरीके की परिकल्पना करी हमारे नेताओं ने, बाबा साहब ने, साथियों आज जिस तरीके का समय हम लोग देख रहे हैं, देश के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे संविधान को खतरा हो रहा है, हमारे आरक्षण को खतरा हो रहा है, साथियों ये एक सोचने का विषय। आज जरूरत है देश के अंदर एकता की। हम लोग सब अपनी जाति भूल जाएं, हम सब लोग अपना धर्म भूल जाएं और एक ही धर्म रखें, देशभक्ति और मानवता का। अगर हम एकजुट नहीं होंगे साथियों तो हम टुकड़ों में वापस बिखर जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा साहब ने, हमारे नेताओं ने, हमारे जो समाज सुधारक थे, हमारे जो देशभक्त थे, जो देश के लिए लड़े, स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, उन लोगों को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा, उनकी परिकल्पना को आघात पहुंचेगा। मन दुखता है जब इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में आज भी होती है। अभी कल परसों हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय ने भी, गहलोत साहब ने ट्वीट किया था कि हमें दुख है कि आज भी ऐसे कलंकित करने वाली घटनाएं घटित होती हैं। बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं लेकिन साथियों उसमें एक एक आपका भी योगदान होना चाहिए। हमारे आसपास का माहौल कैसा है, किस तरीके की हम विचारधारा लाना चाहते हैं, किस तरीके का परिवार हम बनाना चाहते हैं, किस तरीके का बच्चा हमारा आगे बढ़ सके, पढ़ सके और क्या वो समाज में स्थान ग्रहण कर सके, इस और हमें सोचने की जरूरत है। अगर हम आज ठान ले, अपने से शुरुआत करें साथियों, हम पूरे देश को बदल नहीं सकते, पूरे समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन हम हमारे परिवार से शुरुआत कर सकते हैं। आज आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, समाज के हित में, देश के हित में हम लोग अपनी बातें आगे बढ़ाएं, हम एक अच्छे और सुंदर समाज की संरचना कर सके, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। आप देख लो इतनी बड़ी पंडाल के अंदर सभी धर्म के, सभी जाति के लोग यहाँ बैठे हैं। एक बहुत सुंदर संदेश मंडावा विधानसभा में नहीं, राजस्थान के अंदर जाएगा। हमारे कुछ साथी, कुछ लोग अम्बेडकर साहब को लेकर हम लोग जय भीम बोलते हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, हम लोग उनकी मीटिंग करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती साथ। हम सब लोग इकट्ठा हो गए, बाबा साहब की जीवनी पर हम लोगों ने बोला, उनकी जो विचारधारा थी उसके बारे में अपना वक्तव्य दे दिया, एक भाषण दे दिया, बहुत सुंदर वाक्य हमने अपने भाषण में दे दिए। लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं पलटकर, हमारी पीठ बाबा साहब की तरफ होती है, हम उनकी विचारधाराओं को यहीं छोड़ जाते हैं। ये त्रासदी है हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे लोगों की। आज अगर हम यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं, हम कुछ सीख कर जा रहे हैं उनके जीवन से, अम्बेडकर साहब के, तो हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारी विचारधारा के अंदर और हमारे आचरण के अंदर होनी चाहिए वो विचारधारा। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान देते हैं कि छुआछूत खत्म होनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो केवल बातों से काम नहीं चलेगा साथियों, हमें आगे बढ़कर उदाहरण पेश करना होगा। और ये उदाहरण जब तक पेश नहीं होगा जब हम खुद अपने स्वयं से काम शुरू नहीं करेंगे और हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। अभी सही कह रहे थे पूर्व वक्ता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। हम लोग व्हाट्सएप की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारे पास में हमारे माता पिताजी बैठे होते हैं, हमारा गुरुजन बैठा होता है, हमारा दोस्त बैठा होता है, उससे हम बात नहीं करते, लेकिन उसके अंदर, मोबाइल के अंदर 24 घंटे फेसबुक और व्हाट्सएप को हम देखते हैं। हमारे परिवार के अंदर बिखराव आ गया, उसका कारण वो भी, हमारे दोस्त का जन्मदिन है, हमारे माता पिता का, भाई का, बहन का जन्मदिन है, हम व्हाट्सएप पे डाल देते हैं हैप्पी बर्थडे। बहुत सी बातें जो नहीं चाहते बहुत सारे लोग कि ये देश एक रहे, अखंड रहे, यहाँ पे सारे समाज के, सभी जातियों धर्म के लोग भाईचारे से रहें, वो इस सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। हम लोगों को देखना होगा साथियों कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
जब कहीं खड्डा होता है, कुआं होता है, हम उसके पास से निकल रहते हैं, हमें ध्यान रहता है कि आगे खड्डा है, एक कदम और बढ़ाऊंगा उसमें गिर जाऊंगा, तो ये तो हमारे जीवन और हमारे समाज और हमारे देश का प्रश्न है। हम लोगों को सोचना होगा, जागरूक होना पड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा था, संघर्ष करो, एक रहो और लड़ो। वो इसलिए नहीं कहा था कि आप आपस के अंदर लड़ो, उनका ये कहना था कि देश को आगे बढ़ाना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, महिलाओं को आगे लाना है, उसके ऊपर हमें प्रयास करने चाहिए साथ। आज एक बहुत शुभ दिन है और मुझे खुशी है, मेरे पास आपके अम्बेडकर विकास मंच के लोग आए थे और उन्होंने प्रस्ताव रखा था। मैं आपको बता दूं साथियों, पंचायत राज विभाग ने तय किया था कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर के ऊपर पंचायत समिति का जो भवन है उसके साथ ही अम्बेडकर भवन बनाए जाए, लेकिन आप लोगों की इच्छा देखते हुए और मेरा भी बहुत मन था कि हमारी जो पंचायत समिति है उसमें छोटी सी जगह मिलती, एक कमरा बन जाता, वो पर्याप्त नहीं था। हमें इस भवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, इसलिए SDM साहब को आज जब माला पहना रहे थे तो मैं कह रही थी इनको एक नहीं, आप जितनी मालाएं पहनाओ उतनी कम है। बहुत तत्परता से उन्होंने काम करा, कलेक्टर महोदय ने बहुत जल्दी उसकी अनुमति दे दी, और जब इतना सब कुछ होता है और आपका इतना उत्साहित कार्यक्रम देखने को मन कर रहा था तो मैंने भी अपना विधायक कोटा खोल दिया। पंचायत समिति के अंदर पैसों का अभाव था, इसलिए ये लंबी चल रहा था आपका ये जो अम्बेडकर भवन था, लेकिन आप निश्चित रहे, आज इसका शिलान्यास हुआ है, आपके टेक्निकल सेंक्शन, फाइनेंस की सेंक्शन सारी निकल चुकी है, बहुत जल्दी इसकी हम बिल्डिंग को बनता हुआ देखेंगे, भवन को बहुत सुंदर भवन आपका ये बनेगा। और साथियों, अलसी सर के अंदर एक पंचायत समिति होती थी, सब लोग कहते थे अलसी सर के अंदर कि भाई पंचायत समिति तो बना दी, कुछ और दोगे या नहीं दोगे। और मेरा भी जिस तरीके से आप लोगों ने सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद और प्रेम मुझ पे बनाए रखा, मेरा भी मन करा। और आप देख रहे हैं यहाँ एक आलिशान अम्बेडकर भवन की शिलान्यास हुआ है, बहुत सुंदर भवन यहाँ बनेगा। इसके जस्ट आगे लगता हुआ कस्तूरबा गांधी आवासीय भवन बनेगा, जिसका 4.5 करोड़ रुपए जिसके पारित हो गए हैं, बहुत सुंदर बिल्डिंग उसकी बनेगी। और उसके लगते ही हमारे लड़कियों की कॉलेज का भवन बनेगा, जुलाई के अंदर लड़कियों की कॉलेज शुरू हो जाएगी दूसरे भवन में, क्योंकि भवन बनने में समय लगेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों ने जो हमारे क्षेत्र के लिए था, हमने जो मांगा उन्होंने हमें दिया। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगी, जिस तरीके का काम हमारी सरकार कर रही है राजस्थान के अंदर, जो आपकी चुनी हुई सरकार है, और बहुत सी बातें आती हैं, अभी प्रोफेसर जयलाल जी ने कही, हम लोगों ने नहीं सुनी, माफी चाहूंगी, राष्ट्रद्रोही नाम का कोई बात हम लोगों के सुनने में नहीं आई, बाबा साहब का मुकाबला नहीं हो सकता कोई कुछ भी बोले। और हमेशा जो केंद्र के अंदर कभी भी कांग्रेस की सरकार रही, राजस्थान के अंदर रही प्रदेश में, और जो भी नीति बनती है, जो भी योजनाएं बनती हैं, उसमें केंद्र बिंदु गरीब होता है, अनुसूचित जाति जनजाति होती है, अल्पसंख्यक रहता है, उनको ध्यान में रखते हुए, किसान वर्ग को, मजदूर को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनती आई हैं और आगे भी ऐसे बनती रहेगी। अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था साथियों, एक अधिनियम पारित हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक अधिनियम आया, और उसके अंदर बहुत बड़ा फंड रखा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, जो उस अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति का जो आबादी का हिस्सा है उसके हिसाब से फंड होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उससे भी 0.5% का फंड ज़्यादा रखते हुए एक एक्ट लेकर आए हैं, और उस एक्ट के अंदर ये प्रावधान करा है, हमारी जो अनुसूचित जाति जनजातियों की जो भी कॉलोनी है, जो भी संस्थाएं हैं,
उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके, वहाँ पे सड़कों की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, इस तरीके से उन क्षेत्रों का विस्तार हो और उनको आगे अग्रणी श्रेणी के अंदर लाया जाए। उनके कल्याण के लिए किस तरीके के हम लोग काम कर सकते हैं, इस तरीके का भी एक अधिनियम, एक एक्ट अभी विधानसभा के अंदर हम लोगों ने पारित किया, शायद 19 तारीख को करा था हम लोगों ने। इसी तरीके से आगे साथियों बहुत सारी ऐसी योजनाएं पहले भी बनी हैं, आगे भी बनती रहेंगी, जिनमें विशेष तौर पे जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, जो गरीब है, किसान है, जिनको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर विचार करने के लिए बहुत सारी योजनाएं समय समय पर आती रही हैं। अभी विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख तक की आपके मुफ्त इलाज होगा। आप सोचें, एक गरीब परिवार जब जाता है, बीमार हो जाता है, इलाज के लिए अस्पताल में जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता, उसको ब्याज पे रुपया लेना पड़ता है, ब्याज वो चुका नहीं सकता, उस पर कर्ज पे कर्ज उसका बढ़ता चला जाता है, तो वो उसके लिए बहुत असहनीय होता है, वो अपने बच्चे अपनी विशेषकर महिलाओं का उपचार नहीं कराते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी सुविधा राजस्थान सरकार ने आपको दी है, आपके जेब में एक पैसा नहीं है, आप अस्पताल में जाएं, अपना मुफ्त इलाज करा के आ जाएं। इसी तरीके से जो बिजली के बिलों में कटौती हुई है, बहुत सारे गाँव में साथियों बिजली का बिल आया है वो बिल्कुल शून्य आया है, वो इसलिए आया है कि जिस तरीके से माहौल रहा है 2 साल के अंदर, कोविड से हम लोग परेशान थे, सारे रोजगार खत्म हो गए, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी नहीं हो रही, मजदूरी खत्म हो गई लोगों की, तो उसको देखते हुए किस तरीके से राहत प्रदान की जाए उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के छोटे छोटे कदम उठाए गए हैं, जो आप लोगों के आम जीवन में बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा करेगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, समय समय पर जब भी आप जो भी अपनी मांग रखेंगे, चाहे वो अम्बेडकर भवन को लेकर हो, यहाँ पर आप लोगों की मैंने पहले ही कहा था, आपका भवन जब बनेगा तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बाबा साहब की मूर्ति का हम लोग लगाएंगे, बिल्कुल आप निश्चित रहें, बहुत सुंदर इसको बनाएंगे। और क्योंकि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, यहाँ पर इतनी दूर से पधारकर अपना कीमती समय आप लोगों ने दिए है, और सम्मानित मंच जो अपना अपना मतलब यहाँ पर आए हैं, चूरू से आए हैं, यहाँ के स्थानीय अपने बीच के लोग हैं लेकिन अलग अलग जगह अपनी सर्विस करते हैं, लेकिन आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप सब लोग यहाँ पर विशेषकर माताएं बहनें इतनी तादाद में, मैं देख रही थी बीच में आप लोग उठ कर जा रहे थे, मैं समझती हूँ सबसे कठिन काम आपका होता है, घर परिवार का काम छोड़कर, बच्चों को छोड़कर आप लोग यहाँ आए हैं हम लोगों का हौसला बढ़ाने, और आप लोग बैठे इसलिए कार्यक्रम और ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और बहुत सुंदर आयोजन है ये, जो इसके आयोजक हैं उनको भी मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगी, हमारे जो CBO साहब हैं गुरुदयाल जी, उनकी पूरी टीम, शुकन जी, हमारे गुरु जी प्रोफेसर जयलाल जी, सब लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत करी, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, आपको अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बाबा साहब को नमन करते हुए।